हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक दमदार गेम प्ले के अंदर। सो गाइस, आज हम खेल रहे माइनक्राफ्ट बट इन जावा एडिशन एसएमपी के अंदर। गाइस, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, गाइस मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच द फुल वीडियो ओनली गाइस, आपको काफी मजा आने वाला है गाइस। और इस वाले वर्ल्ड के अंदर सभी जावा एडिशन के फार्म भी वर्क करते हैं गाइस, और हम इसको थोड़ी देर एक्सप्लोर भी करेंगे गाइस। बट उससे पहले मैं अपना व्यू जो है उसको एफपीपी में कन्वर्ट कर लेता हूं गाइस, तभी एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको दिखा पाऊंगा। इसको अभी फटाफट से कन्वर्ट कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो फाइनली मैंने इसको चेंज कर लिया है गाइस। सो ये देखो गाइस, कितना खतरनाक वाला आयरन गोलम का स्टैचू दिख रहा है गाइस। ओके, तो आगे चलते हैं गाइस। इतना बड़ा फार्म भी यहाँ पे बना के रखा है, और सामने किसी प्लेयर का स्टैचू बनाया है गाइस, उसने खुद ने बनाया होगा। अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्रिएटर ही है गाइस, जिनको अभी मैं जानता ही नहीं हूँ, बट हम धीमे धीमे उनसे भी पहचान करेंगे और उनके साथ भी काफ़ी बढ़िया वाली वीडियो बनाने वाले गाइस। बट वेट अ सेकंड, ये क्या है भाई? ओ गाइस, ये किसी का तो भी घर दिख रहा है गाइस, बट आई डोंट नो किसका घर है। और गाइज, ऐसे विदाउट परमिशन किसी घर में जाना सही बात तो नहीं है। बट गाइज, भाड़ में जा यार, परमिशन हम जस्ट चेकआउट करें तो जा ही सकते गाइज, वैसे थोड़े ना हम कहाँ चोरी करने वाले हैं, जस्ट चेकआउट करें तो आ ही सकते हैं ना यार वैसे। ओके गाइज, तो काफी अच्छा घर बना के रखा है वैसे। वैसे गाइज, इस वाले सर्वर के अंदर पूरे के पूरे प्लेयर जावा एडिशन के प्लेयर्स है, जस्ट मैं हूँ जो कि पॉकेट एडिशन का प्लेयर हूँ। देखते यार हम उनके साथ कंपेटेबल हो पाते हैं नहीं, काफी मजा आने वाला आपको। जस्ट आप फॉलो करना पूरा वीडियो और पूरी सीरीज को। ओके गाइस, तो स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, हम भी बनाएंगे हमारा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे देखो फाउंटेन भी बना के रखे यार, लावा का फाउंटेन, वाटर का फाउंटेन, ये मतलब यार काफ़ी अच्छे डेकोरेशन किया है इस सर्वर के अंदर। वैसे आई डोंट नो गाइस कि ये पूरा सर्वर जो है सर्वर में है या फिर क्रिएटिव में, जस्ट आज ही मैंने विजिट किया है, सो आई डोंट नो गाइस। जस्ट गाइस 1 मिनट के लिए हम इसको एक्सप्लोर करने वाले, बाकी हम हमारा काम करने जाने वाले हैं गाइस। जस्ट मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि ये है क्या इस सर्वर में, और मेरा गेम यहाँ पे लैग कर सकता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एंटिटीज हो चुके हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फार्म है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं दिखा है, दिखाऊंगा धीमे धीमे। और यहाँ पे हॉर्स है गाइस, पता नहीं किसका है। और इधर देखो यार, कितने बड़े बड़े रूट्स है और कितने खतरनाक वाले मॉडर्न हाउस है यार, क्या ही बोले। और ये क्या है भाई, ये किसने तोड़ा इसका घर? भाई साहब यार, पूरा डिस्ट्रक्शन मचा रखा है यार, मतलब ऐसा कोई सर्वर है ही नहीं गाइस जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन ना हो, मतलब हर कोई ऐसा होता है गाइस जो कि एक दूसरे का घर तोड़ते रहता है। ओके, ये क्या है भाई, ये तो यार काफी सही हाउस बना के रखा है, अंदर चल के एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला परमिशन मांगने कोई है ही नहीं, तो यार किससे परमिशन मांगे, चेकआउट करने हम जा ही सकते हैं अंदर। और कुछ बढ़िया सामान दिखा तो वहां से उठा भी सकते हैं यार, मतलब नहीं गाइस मजाक कर रहा हूँ, ऐसे हम नहीं करेंगे क्योंकि यार हम खुद सर्वाइव करेंगे यार। जस्ट चेकआउट करने आ चुके हैं अंदर। ओके, यहाँ पे तो काफी बड़ा किचन बना के रखा है, वैसे मैं जानता हूँ गाइस इस चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ये डेकोरेशन के लिए लगाया गया चेस्ट है गाइस। पता नहीं अभी ये किसका घर है, ऊपर चढ़ के देख लेते हैं गाइस, ऊपर मुझे कुछ बढ़िया सी लूट मिलेगी ना गाइस, फटाफट से लूट के यहाँ से भागने वाले हैं गाइस हम। ओ गाइस, इतनी ज्यादा लूट यार, रुको गाइस चेकआउट करते हैं कि मुझे क्या क्या मिलेगा। गाइस यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारे साथ स्कैम कर दिया गाइस यार, छोड़ो गाइस इस घर में कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं वहां से बाहर आ चुका हूँ। वैसे गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना गाइस, मैं यहाँ से एक भी चीज नहीं लूटने वाला हूँ, क्योंकि यार हम खुद सर्वाइव करने वाले, भले हम पॉकेट एडिशन के प्लेयर है बट हम भी तो थोड़ा बहुत जानते हैं यार। वैसे गाइस एक बात तो सही है यहाँ पे, ये देखो प्लेयर ने जो बीकन का इफेक्ट है सबने अलग अलग रखा है, इससे क्या होगा, सभी को फायदा होगा गाइस। नाइस यार, यही चीज होनी चाहिए गाइस सर्वर के अंदर, जो कि देखो मुझे सभी टाइप के इफेक्ट एट अ टाइम मिल रहे हैं यार, मतलब कोई मुझे अभी यहाँ पे मॉक मार ही नहीं सकता है विदाउट यार, मतलब कोई आर्मर भी नहीं होगा तब भी चलेगा। अभी गाइस मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा गेम लैग करेगा, क्योंकि वहां पे जो है मैक्सिमम एंटिटीज हो सकते हैं। ओ गाइस, सामने क्या ही देखता हूं गाइस, इतना क्यूट सा पपी बना दिया गाइस, देखो एक उल्फ का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, और ऐसा सेम स्ट्रक्चर हमारे सुपरकॉप एसएमपी के अंदर भी कुछ लोगों ने बना दिया था गाइस, जो कि काफी सही था। बस वो जो है एक ठहरा हुआ डॉग था, मतलब खड़ा हुआ डॉग था, ये जो है नीचे बैठा हुआ डॉग है गाइस। बट वेट अ सेकंड गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये जावा एडिशन एसएमपी क्यों है गाइस। ये देखो, अभी मैं सबसे पहले डोर बना लेता हूं, ये डोर क्यों बना रहा हूं सब पता चलेगा, जस्ट लिटिल बिट सब्र रखो गाइस। अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ये जो विलेज का हाउस है गाइस यहां पे अपना घर बना देता हूं, तब तक टेंपरेरी। ओ गाइस, ये क्या देखता हूं, इतने सारे चेस्ट, ये जावा में होता है क्या गाइस? आर यू किडिंग मी, ये क्या चीज है भाई, इतनी ज्यादा रेडीमेड लूट, मतलब मुझे सब चीजें यहां पे ही मिले जा रही है गाइस, बट हम इसको यूज नहीं करने वाले गाइस, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सर्वाइवल से लिया गया है या क्रिएटिव से गाइस।
क्योंकि आज ही मैं सरोवर के अंदर आ चुका हूँ गाइस, तो हु नोज यार, पूछना पड़ेगा मेरे को, बट आई थिंक सरोवर में ही किया होगा। और गाइस ये गेम प्ले जो है मैं रात में 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस। आप सोच सकते हो यार, मेरे अगर पेरेंट्स जाग गए ना यार, मेरा क्या ही हाल करेंगे गाइस। छोड़ो गाइस, अभी सबसे पहले अपने गेम प्ले पे फोकस करते हैं गाइस। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जावा एडिशन के अंदर क्या वर्क करता है, जो कि आपको इसके अंदर वर्क करने मिलेगा गाइस। जो कि आपको पता होगा, पॉकेट एडिशन के अंदर हम जो है डोर को अगर पानी में रखते गाइस तो वहाँ पे हम सांस नहीं ले सकते, बट वही अगर हम जावा के अंदर करते तो हम वहाँ पे सांस ले सकते गाइस। सी गाइस, मैं मोबाइल के अंदर वाटर के अंदर सांस ले पा रहा हूँ यूजिंग ओनली डोर गाइस। देखो यहाँ पे अंधेरा है, क्योंकि यार ये जो है पानी के अंदर अंधेरा ही होगा गाइस। ओके गाइस, तो अभी मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही बबल आते, मैं जैसे अब इसके अंदर जाता हूँ गाइस, बबल गायब हो जाते गाइस। आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना कोई एक्सप्लेन करने की नीड ही नहीं गाइस। ये देखो मेरे बबल्स वापस से आ चुके और मैं यहाँ पे सांस ले सकता हूँ गाइस। ये काफी बढ़िया ट्रिक है गाइस ओशन मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करने की गाइस। इसके लिए हमें कोई पोषण की नीड ही नहीं होती है। ओके गाइस, तो अभी बाहर चलते हैं। अभी गाइस सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बेड वगैरह उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएट करना है गाइस। इसलिए मैं थोड़ा दूर जाके करूंगा, क्योंकि गाइस किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सर्वर के अंदर आ चुके हैं गाइस। हम पीछे से आके धप्पा करेंगे तब इनको पता चलेगा। अभी जो है हम एकदम सीक्रेटली काम करने वाले गाइस हमारे वर्ल्ड के अंदर। सो अभी चलते गाइस एक सीक्रेट जगह ढूंढने के लिए। और यहाँ पे मैं क्या ही देखता हूँ, टर्टल्स है यार, कितने क्यूट से टर्टल है, 2 टर्टल है यार। मतलब देखो अब इनको हम ब्रीड भी कर सकते हैं। वैसे सी ग्रास मुझे मिलेगा क्या? नहीं। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे किसी प्लेयर ने यहाँ पे 2 डोर लगाए गाइस, शायद कुछ कर रहा होगा। अभी गाइस हम यहाँ पे रेस्पिरेशन कर सकते हैं, देखो बिल्कुल यार कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे यार मुझे यहाँ पे ड्राउनट नहीं दिख रहे, पता नहीं यार इन्होंने सब मार दिए क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस। हम चेकआउट करेंगे और मुझे यहाँ पे एडवांसमेंट भी अर्न हो सकते गाइस, बट अभी अर्न नहीं हो रहे क्योंकि मेरे को कुछ एडवांसमेंट पहले अर्न हो चुके थे। जैसे मैं कुछ नई चीज करूंगा मुझे भी वो अर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट वेट, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी गाइस मैं तैरते तैरते दूर आ चुका हूँ और ये देखो ये मैं पीछे के साइड आ चुका हूँ और कितने बड़े बिल्डिंग्स है, देखो यहाँ पे कितने बड़े टावर्स है गाइस। और ये लावा का क्या बना के रखा है, आई डोंट नो गाइस, चेकआउट तो करना पड़ेगा बट बाद में। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस साइड चलता हूँ, क्योंकि मुझे एक साइड ढूंढने जहां पे मैं अपना सर्वाइवल वर्ल्ड स्टार्ट कर सकूं। बट सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने लिए डायमंड का नहीं यार, इतना जल्दी डायमंड थोड़ी ना मिलेगा मुझे, आयरन का पूरा आर्मर विद टूल्स मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इस साइड, क्योंकि रेडीमेड माइन तो होगी यार, इतना सब कुछ किया है, मतलब एक तो माइन होनी चाहिए। मैं देख लेता हूं कि मुझे माइन मिलती है नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली मुझे यहां पे एक स्ट्रक्चर मिल चुका है गाइस। अभी ये लगता है किसी ने टीएनटी से यहां पे ब्लास्ट किए, शायद मुझे यहां पे आयरन मिलेगा। ओके यार मिल ही गया, क्या ही बोल रहा हूँ, सामने आयरन है। सो अभी इस आयरन को फटाफट से कलेक्ट कर लेते गाइस, फिर मैं यहाँ पे एक फर्नेस बनाऊंगा, फिर उसको उसके अंदर रखूंगा, तो मुझे जो है कुक आयरन भी मिल जाएगा गाइस। यो गाइस, मैंने यहाँ से फर्नेस भी बना लिया गाइस। अभी सबसे पहले फर्नेस के अंदर उसको मेल्ट करने के लिए रख देते गाइस। वैसे मैं अभी फ्यूल के तौर पे यूज करूंगा डोर्स का, और इसके अंदर मैंने आयरन तो रख दिया गाइस। अभी फटाफट से थोड़ा दूर चल के देख लेते हैं, क्योंकि इतने आयरन से कुछ होगा नहीं। इसीलिए गाइस मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, क्योंकि मुझे और थोड़ी सी माइन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे वहां से मैक्सिमम आयरन ढूंढना है गाइस, और हो सके तो डायमंड भी लेके आना है गाइस, तभी तो यार मेरे कुछ वैल्यू रहेगी इस एसएमपी के अंदर। इसलिए गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा, मुझे कोल मिल चुका है गाइस, तो कोल भी इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को टॉर्च की जरूरत पड़ सकती है। जब केव के अंदर जाऊंगा तो मुझे विजिबिलिटी भी चाहिए ना यार, नहीं तो खो जाऊंगा इसके अंदर। अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। यो गाइस, तो फाइनली मैंने यहाँ से कोल तो कलेक्ट कर लिया गाइस। अभी मुझे आगे चल के देख लेना है कि आगे मुझे और क्या क्या मिल सकता है, बट उससे पहले गाइस मैं यहाँ पे इस शिप को मार देता हूँ, ताकि मेरा मीट का इंतजाम हो जाए। और गाइस ये मैं क्या ही देखता हूँ, मेरा एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका है विदाउट एनी एड ऑन गाइस, ये ऑटोमेटिकली हो चुका है, क्योंकि ये सर्वर जो है जावा एडिशन का सर्वर है इसलिए। तो अभी आगे चल के देख लेते हैं गाइस, क्योंकि मुझे आगे एक और केव ढूंढनी पड़ेगी, कि यहाँ पे जो भी केव्स है गाइस वो सब इन्होंने एक्सप्लोर की होगी, और वहाँ पे जो भी डायमंड या जो भी आयरन होगा ये सब उन्होंने उठा लिया होगा। बट आई थिंक आई हैव सम होप कि मुझे कुछ ना कुछ तो वहाँ से मिलेगा ये गाइस, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे एक केव मिल जाए बस। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे 3 केव मिल चुके यार, मतलब क्या ही बोले गाइस, जब एक नहीं मिल रही थी अभी 3 केव मिल चुके, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये केव जो है इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। बट विच केव आई शुड चूज फॉर द माइनिंग, और मेरे पास 12 टॉर्चेस है, मैं और बना सकता हूँ बट अभी सफिशियंट है। ठीक है, सबसे पहले अंदर चलते हैं, बट कौन सी डायरेक्शन से चले। ओके इस केव से चलते हैं गाइस। ओके अभी मेरे पास बेड है गाइस, तो मेरे को मरना नहीं है, इसलिए मेरे को सबसे पहले अपना हेल्थ को फुल करना है, इसलिए मैं फूड बार फुल कर देता हूँ सबसे पहले। अभी अंदर चलते हैं गाइस एकदम बढ़िया तरीके से। अभी देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ज़ॉम्बीज हो सकते हैं यार, पता नहीं। अभी ये केव है और ये नीचे जा रहे गाइस, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट्स कम कर रही है, और ये ऑटोमेटिकली केव स्पॉन हुई है,
और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आया होता तो टॉर्चेस होते गाइस। ओ गाइस क्या ही देखता हूँ, मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट दिख रही है गाइस। और ये तो चिरकुट लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी रखवाली कर रहे हैं क्या? यहाँ पे मुझे 100% चेस्ट मिल सकती है गाइस और उसमें डायमंड भी हो सकते हैं गाइस। बट उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि बोल नहीं सकते यार, कुछ भी हो सकता है। ओके झिंगुर लोग कहाँ पे हो तुम, सबसे पहले इधर आओ। यार कोई नहीं दिख रहा है, अभी तो दोनों थे। अरे यार ये तो कहाँ पे यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को, दोनों तो अभी तो यहाँ पे थे। और यहाँ पे मैं टॉर्च लगा देता हूँ। और ये देखो माइन शाफ्ट आते ही खत्म हो गई, ये कैसी माइन शाफ्ट है यार। ये देखो सामने से आ रहा है झिंगुर। ओके आ जा भाई, तेरे को सबसे पहले ठिकाने लगा देता हूँ। ओके यार इसका हेल्थ काफ़ी अच्छी है। और एक और एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका है मॉन्स्टर हंटर का, जो कि एक जावा एडिशन का एडवांसमेंट है गाइस। और हम जो है जावा एडिशन के एडवांसमेंट मोबाइल में भी कंप्लीट कर पा रहे गाइस, वैसे विदाउट एड ऑन गाइस। ओके सो अभी गाइस मैं सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ कि इससे बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे, मतलब ओके किसने मारा अभी मेरे को, कौन है यार, रुको सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कौन है। ओके ये स्केलेटन है, रुको इसको मुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। बट यार मुझे एक बात बताओ, ये ज़ॉम्बीज या स्केलेटन आ कहाँ से रहे, क्योंकि यार मैंने देखा था उस साइड का भी एंड जो है क्लोज है, इस साइड का एंड क्लोज है, तो ये कहाँ से स्पॉन हो रहा है भाई, ये रैंडमली तो स्पॉन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी है गाइस, मैंने टॉर्च लगा दिए। आई थिंक गाइस मैं कोई रास्ता भूल रहा हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे कोई रास्ता देखा होगा जो कि मैंने एक्चुअली नहीं देखा है। अभी आप ही बताना गाइस मुझे कि मैंने कौन सा रास्ता भूला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है मैक्सिमम लूट मिल सकती है गाइस, क्योंकि माइनशाफ्ट इतना छोटा होता नहीं है गाइस। एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ओके कॉपर हो रहा है और थोड़ा बहुत आयरन है गाइस। सबसे पहले इनको फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस तो मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके अंदर आ चुका हूँ गाइस, ये देखो मैं एक अलग जगह पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे मुझे ड्रिपस्टोन देखने मिल रहे गाइस, वो भी 47 लेवल पे। अभी गाइस मुझे ठीक से तो याद नहीं है, जो मेरा हार्डकोर का वर्ल्ड है गाइस उसमें मुझे ड्रिपस्टोन काफ़ी नीचे मिले थे, मतलब 35 के नीचे ही मिले थे। बट यहाँ पे इतना ऊपर कैसे यार, पता नहीं यार ये क्या चीज़ है। कहीं गाइस इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे डायमंड भी ऊपर ही मिलेंगे, बट ऐसा तो हो नहीं सकता गाइस, क्योंकि मैंने देखा है जावा में भी डायमंड 42 पे नहीं मिलते, वो तो हमें 12 पे ही मिलेंगे। मैं यहाँ पे कॉपर वगैरह उठा लेता हूँ गाइस, और यहाँ पे ड्रिपस्टोन जो है इनको भी मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को पोशन फार्म बनाना होगा तो इनकी तो जरूरत पड़ने वाली है गाइस। ओके ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है गाइस, मुझे यहाँ पे डायमंड मिलेंगे या फिर जो नीचे माइन शाफ्ट है गाइस वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ लूट मिलेगी? जो भी मिलेगा आपको अगले एपिसोड में देखने मिलेगा गाइस, जस्ट यू शुड कमेंट ऑन दैट कि मुझे क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। और हाँ गाइस, इस एसएमपी के किसी भी प्लेयर को पता नहीं है सिवाय एक लीडर के कि मैं इस एसएमपी के अंदर ज्वाइन हुआ हूँ गाइस। और आपको भी नहीं पता होगा कि इसके अंदर कौन कौन से क्रिएटर है, और हमारी स्टोरी इस एसएमपी के अंदर किस तरह से होने वाली है गाइस वो सब आपको अगले आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। तब तक क्या करना है आपको, अगर आप चैनल पे न्यू हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप मेरे अगर सब्सक्राइबर हो तो आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है गाइस, जितना हो सके शेयर कर देना गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।